टीजर या ट्रेलर जो भी आया आपने देखा, बहुत ही ऑसम है, हालांकि बहुत छोटा सा है, जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा है, उतना जेल में हमें समझ में नहीं आ रहा। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ में शूटिंग का, ये वेब सीरीज है तो जी उसके बारे में बात करते हैं। तो हम तो बचपन से दोस्त हैं, तो ये तो अच्छी बात है। रियल लाइफ में, यस, स्टोरी में, रियल लाइफ में। तो मेरा ये मानना है कि सक्सेस वो है जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ ही काम कर सकते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी था और हम गोवा में रह रहे थे और काम भी कर रहे थे, और ये जो थ्रिलर है इट्स फैंटास्टिकली रिटन और सारे कैरेक्टर्स बढ़िया हैं। तो But I think इससे पहले we had worked in which one? Not नहीं, शैतान के बाद कुछ apart from your play. What else have we done? ना, I think शैतान के बाद this is what we've done, yeah. Understanding तो बहुत ही अच्छी हो गई होगी आपने, क्योंकि बचपन के दोस्त ही हैं। जी। Actually इस कहानी में भी हमारी relation काफी interesting है। हमारी एक लव स्टोरी है जो अनएक्सपेक्टेड है जी। जो बहुत स्वीट है एक्चुअली, ज्यादा बता नहीं सकते, बट ये मैं लव स्टोरी अनएक्सपेक्टेडली लव स्टोरी अगर आप थोड़ा बहुत बता सकें राइट, तो थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं। यस यस एब्सोल्युटली, क्योंकि हम एक्चुअली टेक्निकली ये जो कहानी है हम आई मीन अंडरवर्ल्ड के बारे में है, गोवा के अंडरवर्ल्ड के बारे में है, और मैं एक शेफ़ हूँ जो डेफ और डम है, एंड यू आर द हाउ डू से डेफ एंड डम इन हिंदी, अनफॉर्चुनेटली इट्स गूंगा बहरा, ओके, मे बी दैट्स अ पॉलिटिकली करेक्ट थिंग, बट तो ये है। और मैं फिर बाऊ के घर में जो कैरेक्टर है उनके घर में काम करता हूँ, और अपनी जो मुलाकात होती है शो में, यू आर द गर्लफ्रेंड और द वाइफ ऑफ, वो मत बताओ, बताया हो गया, स्पॉइलर हो गया, स्पॉइलर शुरू हो गया, बट या बेसिकली हमारे एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड लव स्टोरी शुरू हो जाती है। ये काफी लॉस लड़की है जो पोर्चुगल से आई है, उसको अच्छे से हिंदी नहीं आती है, उसका एक्सेंट है पोर्चुगीज एक्सेंट, और वो एक बड़ा माफिया के ड्रग लॉर्ड के साथ काम करती है और है right. और उसके बीच में ये मिल जाता है जो बहुत ही सिंपल लड़का लगता है शुरू में और एंड में भी है कि नहीं वो तो देखना पड़ेगा, अंत में yeah, भी 26 अक्टूबर कुछ जवाब मिलेगा। अच्छा कल की देख के हम ऐसा माने कि ये जो आपका डिफरेंट लुक है छोटे बालों वाला ये लड़कों की तरह, हाँ, तो ये इस वेब सीरीज का लुक है? नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो आप देख रहे हो मेरे बड़े बड़े लंबे बाल थे, ये मंदिरा बेदी का लुक है जी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार इस गर्मी में, और यार इतनी इजी है आप लोगों के लिए जो बॉयज है, कुछ नहीं करना है, सुबह उठ के जा सकते हैं ऐसे जब ऐसे। लेकिन जब भी आईने या रिफ्लेक्शन देखते हैं ना तो शुरू हो जाता है ऐसा थोड़ा मुझे समझती है अभी क्यों लड़कों ऐसे करते हैं, बट एनीवे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने वैसी ऑन द स्पॉट मैंने ऐसे डिसाइड किया बाल काटने के लिए, क्योंकि मुझे कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं था, कुछ इमीडिएट काम नहीं था, मैं हमेशा करना चाहिए था, और अभी मैं कुछ प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ इस बाल के साथ, आने वाले प्रोजेक्ट्स इस बाल के साथ। ओके, तो नील ड्रग्स की स्टोरी है गोवा में आई जी, तो गोवा कुछ बताइए कि गोवा शूटिंग का एक्सपीरियंस है ड्रग्स के बारे में, इस तरह से ये हमें दिखाया गया है या ये के बारे में जी, लेकिन इससे पहले जो शूटिंग का वेल कहानी जो है कैरेक्टर्स के बारे में है, और ये कैरेक्टर्स गोवा में कई लोग गोवा में रह रहे हैं और कई लोग विजिटिंग कर रहे स्टोरी के तौर पे, और गोवा तो अगर कोई किसी को भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि आप काम कर रहे हो गोवा में तो हम ये इंटरव्यू भी गोवा में कर सकते हैं, तो बड़ी मतलब जॉयफुली करेंगे, तो वो एक अच्छा था। और हम रह रहे थे एक साथ काम कर रहे थे, और मैं वर्क के पहले स्विम के लिए जाता था,
और फिर स्कूटर पे काम के लिए जाता था। तो उस तरह का जो कल्चर है जो आप बॉम्बे में नाइट शूट करते थे तो शाम में स्विम करते थे अच्छे से सनसेट के साथ स्विमिंग करते थे समुन्द्र में, उसके बाद हम शावर करके शूट पे जाते थे और फिर पूरी रात को शूट करते थे और सुबह सुबह तक घर जाके अच्छा ब्रेकफास्ट खा के सो जाते थे। तो वो लेकिन ड्यूटी है, ड्यूटी था हमारी लाइफ। लेकिन डेंगी भी थी मुझे याद है, आई हैड डेंगी, वहाँ पे डेंगी हो गया था और मैं क्लिनिक पे जाती थी रोज टू गेट ड्रिप, शूट पे जाते थे उसके बाद रात में ड्रिप। और गुलशन बहुत अच्छे से ध्यान रखा मेरी, वो रोज मेरे साथ क्लिनिक पे आता था जो एक डेढ़ घंटे दूर था। गुलशन काफी केयरिंग है, गुलशन बहुत ही अजीब सा केयरिंग है। अजीब सा केयरिंग मतलब वो गुस्से में केयरिंग है, केयरिंग है। वो बोलता है हाँ मेडिसिन लिया, आपने ये किया वो नहीं किया, हाउ विल यू गेट बेटर इफ यू डोंट ड्रिंक दिस, इफ यू डोंट ड्रिंक वाटर, इफ यू डोंट हैव योर वो क्या पपाया जूस, जो पपाया लीव्स का जूस, वो जो गंदा जूस है ना जो पीना चाहिए जब डेंगू है, प्लेटलेट काउंट बढ़ाने के लिए। वो बहुत एक्चुअली अंदर से स्वीट है बट बाहर से थोड़ा टफ लग रहा है। देखिए ये हाँ सीरीज तो ड्रग्स के बारे में है, लेकिन ये नहीं है कि हम तो ड्रग्स ले रहे हैं उसके करने के लिए, बट कैरेक्टर्स को हाँ ऑब्वियसली ये बड़ा माफिया के बारे में है जो ड्रग्स में डील करते हैं, और आई थिंक कि ये बहुत असली प्रॉब्लम है गोवा की कि काफ़ी सारा अंडरवर्ल्ड है और काफ़ी सारा ड्रग्स के ट्रेड्स हो रहा है, और वो भी दिखाते हैं कि पुलिस और नार्कोटिक्स को कितना मुश्किल है ये लोगों को पकड़ने के लिए, कैसे पॉलिटिशियंस भी घुसे हैं उसके अंदर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंगली वो सारी दुनिया दिखता है कि एक्चुअली जो विलन है वो ऑफन वो इतना ड्रग्स नहीं लेते हैं, वो बेचता है ड्रग्स, और जो बंदा जो स्ट्रीट्स पे है जो सोचता नहीं वो एडिक्टेड बन जाता है, लेकिन वो जो एडिक्टेड है ड्रग्स को ज़्यादातर वो बड़ा क्रिमिनल नहीं है, जो बड़ा क्रिमिनल है वो जो पूरा ट्रेडिंग करता है ड्रग्स को, तो उसके बारे में है ये कहानी। जी 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 ये जो कहानी है इसका कोई मॉरल नहीं है इसमें, ये एक फिक्शन बेस्ड है जो आई एम श्योर जैसे कि कल्कि ने कहा है कि काफ़ी सारे जो आर्टिकल्स है और स्ट्रक्चर है नारकोटिक्स का गोवा में उस हिसाब के, आई मीन टॉपिक तो चाहिए ही चाहिए एक कहानी बनाने के लिए, तो वो है। तो आई डोंट थिंक ये एक ये फिक्शन है 11 एपिसोड्स में। और अगर आप पूछ रहे हो मैसेज यूथ के लिए, आई थिंक मैं यही कहना चाहता हूँ कि चाहे आप जो भी एज हो, इस लाइफ को मैक्सिमाइज करने के लिए सबसे प्यार करो, अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से, काम करो अच्छी तरह से, अच्छी तरह से खाना खाओ, सेलिब्रेट करो, और जो भी आप कर रहे हो सोच समझ के, बस एक बार सोच के करो, बस ब्लाइंडली किसी भी चीज़ में मत घुसिए। पूरा आउटसाइड पूरा पर्सपेक्टिव देखना है, कभी कभी हम अंदर कहानी के अंदर घुसे हुए हैं और हम पूरा पर्सपेक्टिव नहीं देखते हैं। जब एक मूवी देखते हैं पूरा पर्सपेक्टिव, हर लोगों का पर्सपेक्टिव दिखाते हैं ना, तो ये लाइफ में भी ज़रूरी है कि आप शायद एक कहानी में घुसे हुए हैं लेकिन उसके अलावा बहुत लोग हैं और आपके जो डिसीजन है उसके रिपल इफेक्ट्स हैं, किसी और को भी कुछ लैश हो सकता है, कुछ अफेक्ट हो सकता है, तो उसके बारे में भी सोचना है कि हम एक पूरा दुनिया में साथ में रह रहे हैं, हम सोसाइटी में साथ में रह रहे हैं, कि आप जो अकेले करते हो वो दूसरे को भी कुछ रिजल्ट हो सकता है, तो उसके बारे में सोचना चाहिए, उसके बारे में ऊपर से एक बर्ड्स आई व्यू पर्सपेक्टिव देखना चाहिए। तो
इसलिए इसका नाम स्मोक रखा गया। ड्रग्स भी आई थिंक रख सकते थे, हालांकि ये सवाल डायरेक्टर से है, लेकिन आप लोग अगर बता सकते हैं। स्मोक एक 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 ड्यूल मीनिंग है कि वो वो एक पर्दे भी जैसा है कि स्मोक स्क्रीन है ना, तो हम दिखता नहीं है, जो बाहर से दिखता है वो शायद कुछ और है अंदर से, तो वो भी है। और आग जब जब लगती है तो स्मोक भी है। आपके जो प्लान्स है अगर वो चौपट हो जाते हैं तब स्मोक में गए हैं, तो सिर्फ स्मोक नहीं है बट स्मोक है। ओके, क्योंकि ये वेब सीरीज का प्लेटफॉर्म है, इससे पहले हम लोग हमने आपको फिल्मों में भी देखा है आप लोगों की, और बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में की हैं। वेब सीरीज के प्लेटफॉर्म पे भी हम देख रहे हैं कि अच्छी अच्छी वेब सीरीज आ रही है। तो आप इस वेब सीरीज से कितने एक्साइटेड हैं आप लोग, और ये वेब सीरीज का कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्योंकि फिल्मों में हमने आपको देखा है अच्छी फिल्में, अब वेब सीरीज। वेब सीरीज़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जैसे कि अगर वर्ल्ड में एक नया कॉन्टिनेंट है, कि अगर साइंटिस्ट कहते कि अभी ऑस्ट्रेलिया की थोड़ा लेफ्ट की तरफ एक नया कॉन्टिनेंट है, किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया, तो सब लोग जाके घर बसाएंगे वहाँ पे। सेम सिस्टम है, एक प्लेटफॉर्म है, एक मंच है जहाँ पे लोग शोज देखते हैं अपने टाइम में। तो ऐसा नहीं है कि तीन दिन के अंदर बॉक्स ऑफिस की ये है, उतने ही आईबॉल्स और ऑडियंस मिल सकते हैं 3 महीने के अंदर, 3 साल के अंदर, लेकिन लोग तो देखेंगे आपकी जो कहानी है। तो ये है सिस्टम, और एक खूबी है कि सबके लिए काम है, ना ही परफॉर्मर्स के लिए ही नहीं, लेकिन म्यूज़िक कंपोजर्स के लिए, न्यूज़ चैनल्स के लिए, सब के लिए, राइटर्स के लिए, DOPs के लिए, अब काम ही काम है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी लगता है अभी कि वेब सीरीज मार्स जैसा है। yeah. आजकल इलॉन मस्क तो मार्स में रह सकते हैं, वो बोल रहा है 10-20 साल में, तो शायद वेब सीरीज भी एक जो एक नया प्लैनेट है, जो जहाँ यहाँ जंग हो रहा है, ये चाहिए वो चाहिए, छोटा सा लैंड चाहिए या वो सब चाहिए, वहाँ पे सब खाली है और हम एक्सप्लोर करना चाहिए कि सबके लिए कुछ मिल जाएगा। तो ऐसा है कि वेब सीरीज के वजह बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज भी खुल गए पूरी इंडस्ट्री के। चलिए 26th ऑफ अक्टूबर जो कि कुछ ही दिन बाकी रह गया ऑन एयर होने के लिए, तो अपने फैंस के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे वेब सीरीज के जरिए, स्मोक के जरिए? आप प्लीज हमारी सीरीज देखिए, 26th ऑफ अक्टूबर ईरोस नाउ के प्लेटफॉर्म में आ जाएगी, आई थिंक वो 26th को, और आई थिंक ईरोस सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना चाहिए आपको, आई थिंक साल में 999 तो मतलब 49 रुपीस पर मंथ, बहुत सस्ता है। तो प्लीज अभी जाके सब्सक्राइब कीजिए और हमारी पूरी सीरीज को बिंज वॉच कीजिए 26th को। Absolutely. जी अभी कर रहा हूँ मैं, अभी करने वाले हैं। Wonderful. Thank you. जी नहीं, सेम टू सेम, सब्सक्राइब कीजिए आप वहां पे ही कट कीजिए। Eros Now. Thank you जी, thank you so much. Thank you. Thank you sir. Thank you. Wonderful.